चलिए अब देख लेते हैं 4 मिनट में 40 खबरें। ईरान में भूकंप, 500 से ज्यादा लोग घायल, 12 से ज्यादा गांव प्रभावित, 50 घर पूरी तरीके से तबाह। काबुल के एक मस्जिद में हुआ धमाका, 4 लोगों की मौत, 25 घायल। अमेरिका कर रहा ताइवान में चीन से निपटने की तैयारी, वेपन्स डिपो बना मिलिट्री ड्रिल में नजर आई हर खामी, दुरुस्त करेगा। मेक्सिको के सिटी हॉल में फायरिंग, बदमाशों ने मेयर समेत 18 लोगों को गोली मारकर की हत्या। नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में 2 भारतीय भी शामिल, फैक्ट चेकर प्रतीक जुबेर को मिल सकता है पीस साइज। भारत की कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ WHO ने जारी किया अलर्ट, 66 बच्चों की मौत से जोड़ा। रूसी वायुसेना को मिला पहला शक्तिशाली SU-35S फाइटर जेट, यूक्रेन के लिए खड़ी हो सकती है बड़ी मुश्किल। मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर मिला तरल रूप में पानी, कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों को मिली कामयाबी। भारतीय डॉक्टर ने यूक्रेन में फंसे पालतू जगुआर को तेंदुए के लिए मांगी मदद, बोले उनकी याद सताती है। कनाडा के बैम्पटन में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, लोगों ने देखी रामलीला और आतिशबाजी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, कर्नाटक के मंड्या से जुड़ी पदयात्रा। केरल में टूरिस्ट और KSRTC बस के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान जलता हुआ पुतला लोगों पर गिरा, हादसे में हुए कई लोग घायल। बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत, जलपाईगुड़ी में मल नदी का जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। PM ने शूट किया कुल्लू का वीडियो, 21 सेकंड के क्लिप को FB पर 15 घंटे में 21 लाख से ज्यादा बार देखा गया। RSS का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर, भागवत बोले समान नीति जरूरी। अंबानी फैमिली को एक बार फिर से मिली जान से मारने की धमकी, रिलायंस अस्पताल में 2 बार आया फोन। जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने कहा अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं, बारामूला में भाषण से पहले बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया गया। शिवसेना के इतिहास में पहली बार 2 जगह पर हुआ दशहरा रैली, एकनाथ बोले हमने गद्दारी नहीं गद्दर किया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत, PM मोदी ने ट्वीट के जरिए शोक किया व्यक्त। दुकान पर भीख मांगने गए बच्चे के पिता से हुई पिटाई, दुकानदार उसकी पत्नी और बेटी ने बुरी तरह से पीटा। भोपाल में दशहरे का पर्व पर चढ़ा बारिश की भेंट, बारिश की वजह से छोला मैदान में नहीं हो सका रावण दहन। रीवा में दुर्गा पंडाल से लौटते समय महिला से हुआ गैंग रेप, 6 अज्ञात आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। MP के 10 जिलों में आज दिन भर बारिश की चेतावनी, रीवा शहडोल कटनी समेत कई शहरों में होगी बारिश। इंदौर में विक्रम वेधा मूवी पर प्रतिबंध लगाने में उठी मांग, खलनायक का नाम परशुराम रखने पर जताई आपत्ति। रायपुर में पारंपरिक खेलों का महाकुंभ शुरू होगा आज से, CM भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का करेंगे शुभारंभ। धमतरी के गंगरेल में BJP की आज बड़ी बैठक, बैठक में मिशन 2023 का बनेगा रोड मैप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, रायपुर आरंग और पाटन के कार्यक्रमों में लेंगे शिरकत। रायपुर में गोठान न्याय योजना के तहत आज होगा भुगतान, CM भूपेश 8 करोड़ 13 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। छत्तीसगढ़ की लेखिका अंकिता जैन को मिला मेदिनी पुरस्कार, पुस्तक के जरिए सामने रखा किसानों का दर्द। मिशेल मेलबर्न पर रवाना, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से पहले 4 वार्म अप मैच भी खेलेगी। गंभीर के इंडिया कैपिटल्स ने जीती लीजेंड्स क्रिकेट लीग, फाइनल में बुरी तरीके से हारे पठान के किंग्स। नंबर 1 बनने से चूके सूर्य कुमार यादव, ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में रिजवान टॉप पर बरकरार। शमी हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल, द्रविड और रोहित ने दिया संकेत। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में हुई शूटिंग की वापसी, विक्टोरिया गेम्स के लिए हुआ खेलों का ऐलान। FIFA 2022 वर्ल्ड कप में परफॉर्म
करेंगी नौरा फतेही। इससे पहले जेनिफर लोपेज और शकीरा भी कर चुकी है डांस। एक्ट्रेस मंदारा करीमी ने बॉलीवुड छोड़ने से किया ऐलान। बिग बॉस में साजिद की एंट्री पर भी लिया फैसला। दर्शकों को पसंद नहीं आया आदि पुरुष का 2050 करोड़ का वीएफएक्स। लोग बोले ये रामायण का इस्लामिक नेशन। अमिताभ बच्चन की नाती नव्या ने लोगों को परोसा प्रसाद। पंडाल में किया जमकर डांस। और आलिया भट्ट ने शेयर की बेबी शावर की तस्वीरें। ट्रेडिशनल लुक में नजर आए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट।